सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से यह साबित कर दिया है कि हरियाणा को खेलों की धरती इसलिए भी कहा जाता है कि उनके खिलाड़ी विदेशी धरती पर कमाल करते हैं। और कुछ ऐसा कारनामा सोनीपत के गांव खेवड़ा के रहने वाले सुमित कुमार आंतिल या यूं कहें कि गोल्डन बॉय ने कर डाला। जेवलिन थ्रो इवेंट में सुमित ने न केवल सबसे दूर जेवलिन फेंकी बल्कि विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। और आज सुमित कुमार आंतिल सोनीपत पहुंचे हैं और उनके स्वागत समारोह कार्यक्रम में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी करीब 4 बजे डीपीएस स्कूल पहुंचेंगे। उससे पहले ग्रामीण और खेल प्रेमी सुमित को सेक्टर 4 हॉकी ग्राउंड से लेकर गांव तक भव्य तरीके से लेकर जा रहे हैं। सोनीपत पहुंचने पर सुमित कुमार ने कहा कि उनकी मां का सपना था कि उनका बेटा देश के लिए गोल्ड मेडल जीते और इस सपने को उन्होंने पूरा कर दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि बहनों ने कहा था कि भाई अब की बार उनको रक्षाबंधन पर गिफ्ट में गोल्ड मेडल चाहिए जो मैंने उनको दिया है। सुमित ने कहा कि मैं दूसरों के लिए मिसाल बनना चाहता था और गोल्ड मेडल जीतकर ये मैंने कर दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं देश के लिए मेडल जीत कर आया। उन्होंने अपने गुरु को भी इसका श्रेय देते हुए कहा कि उनके गुरु ने उनको इस काबिल बनाया कि आज वो इस मौकाम पर खड़ा है। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम प्रवीण कुमार है और आज हमें बहुत बड़ी खुशी है कि जो ये हमारा भाई छोटा भाई सुमित आंतिल गोल्ड मेडल ओलंपिक में लेके आया है। इससे हमें बहुत बड़ी उम्मीदें थी और इसका बहुत ही कठिन परिश्रम था। जैसे मैंने भी इसके साथ 2 साल लगभग काम किया है ग्राउंड के ऊपर, तो इससे उम्मीदें थी। और जो वीरेंद्र भाई साहब हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था इनको, तो इनसे उम्मीदें थी और ये उम्मीदों पे खरे उतरे हैं। और इन्होंने 3-3 वर्ल्ड रिकॉर्ड एक ही इवेंट में बनाए हैं। तो इनके जैसे 6 थ्रो हुए थे, 6 थ्रो में से 3 थ्रो इनके वर्ल्ड रिकॉर्ड थे। पहले इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, उसके बाद फिर दोबारा तोड़ा, फिर तीसरी बार इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा और उस थ्रो में 68-55 का इन्होंने थ्रो लगाकर ओलंपिक में ये कीर्तिमान स्थापित किया है। और इन्होंने पूरे देश की उम्मीदों पर ये खरे उतरे हैं। हमें इनसे बहुत बड़ी उम्मीद थी और हम मानते हैं कि इसकी इस उपलब्धि थे और भी हमारे जो युवा खिलाड़ी हैं उनमें एक विश्वास जगेगा, उनमें भी एक जोश आएगा और उम्मीद है कि भविष्य में भी भारत को इस प्रकार से मेडल मिलते रहेंगे। और सरकार खेलों की तरफ पूरा ध्यान देकर जो ग्राउंडों में आजकल कमियां खलती हैं, यहाँ पर जिस ग्राउंड के अंदर ये खिलाड़ी प्रैक्टिस करता था उसमें सरकार की तरफ से वास्तव में कोई सुविधा है नहीं, केवल एक सिंथेटिक ट्रैक बिछाया गया है, उसके अलावा कोई भी सुविधा नहीं है। तो आज तक हम खुद अपने पैसों से कटवाते हैं, यहाँ पर कोई प्रशासन से किसी भी प्रकार की हेल्प नहीं होती है। और जहाँ तक ये था कि खिलाड़ी ने यहाँ पर बहुत कठिन परिश्रम किया, दिन रात यहाँ पर मेहनत की, वो केवल सारा ये था कि अपने बलबूते पर और आपस में जो गांव का सहयोग रहा, जैसे राठगाना गांव का भी पूरा सहयोग इसमें रहता था, खेवड़ा गांव का पूरा सहयोग रहता था, तो हमने भी उसके ऊपर प्रयास किया और खिलाड़ी ने बहुत मेहनत की, उसको बहुत बहुत साधुवाद, दिल से शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि भारत का हर खिलाड़ी इस प्रकार से आगे बढ़े और देश की जितनी बड़ी जनसंख्या है उसके अनुसार पूरी दुनिया में परचम लहराए। जैसे चीन और अमेरिका आज के दिन हमारे से ऊपर खेल के अंदर जा रहे हैं, तो हमारी इतनी भारी जनसंख्या होने के बाद ऐसे ऐसे खिलाड़ी अगर मेडल लेके आए हुए हैं तो उससे उम्मीद और जगती है कि हमारे जो फ्यूचर है उसको बहुत ही उज्ज्वल होगा। और जैसे दूसरा खिलाड़ी यहाँ पर योगेश कथुनिया ने भी इसी मैदान पर प्रैक्टिस की है, अपने पिछले क्षणों में ओलंपिक में जाने से पहले कुछ समय यहाँ पर बिताया। जो सिमरन लड़की थी जो कैटेगरी T13 में थी वो किसी कारणवश वहाँ पर स्टार्ट में उससे गड़बड़ हो गई, नहीं तो मेडल की वो भी पूरी होती थी। तो ये 3 खिलाड़ी इस ग्राउंड पर प्रैक्टिस करते थे। तो आप मीडिया के माध्यम से मैं सरकार से ही अनुरोध करूंगा कि जहाँ इस खिलाड़ी ने इतने बड़े बड़े 3 खिलाड़ी जो ओलंपिक के अंदर शिरकत की है और मेडल लेके आए हैं, तो आप मीडिया के माध्यम से सरकार से ये गुजारिश है कि ऐसे ऐसे ग्राउंड के अंदर पूरी तरह से सुविधाएं दी जाए ताकि हमारे और जो नए खिलाड़ी हैं वो अपना अच्छा भविष्य बना सके और देश का नाम रोशन कर सके। अब की बार काफी प्लेयर बहुत अच्छी तैयारी में आए थे, सबसे मेन मुकाबला मेरा ऑस्ट्रेलियन प्लेयर और श्रीलंकन प्लेयर्स के साथ था, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि मैंने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है। बिल्कुल, मेरी उम्मीद के अनुसार बहुत ज्यादा स्वागत किया गया मेरा और मैं सभी देशवासियों का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे स्वागत में सर
सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब आ रहे हैं और बाकी सब भी आ रहे हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद है कि वो हमारे क्षेत्र के विकास पे ध्यान देंगे और जिसके उससे ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी निकल के आए। बिल्कुल सर, कोई भी खिलाड़ी देश के लिए मेडल लेके आता तो उससे काफी बच्चे इंस्पायर होते हैं, तो मैंने भी एक यही सोच के साथ शुरुआत की थी कि किसी ना किसी को इंस्पायर करूंगा जो मैंने आज कर दिखाया। बात करें सबसे बड़े हिस्से की तो वीरेंद्र धनखड़ भाई साहब है मेरे, उनकी वजह से ही जो कुछ हूँ मैं, और मेरे कोच साहब है नवल सर, जो भी कुछ उन्हीं की वजह से हूँ। परिवार की स्थिति सर थोड़ी फाइनेंशियली टाइट थी, लेकिन उन्होंने पूरा स्ट्रगल किया है मेरे को इस मुकाम पे लाने के लिए और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर वो तो मैं बहुत ही लाइक एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए, क्योंकि मैं बोल के गया था उनको कि मैं देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाऊंगा और मैंने उनका सपना पूरा किया है। ये गोल्ड मेडल यही हुई थी, उन्होंने कहा था कि राखी में मेरे को गोल्ड मेडल चाहिए, मैं कहा मैं लेके आऊंगा देश के लिए। उनको मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि आप किसी भी फील्ड में हैं, मेहनत करो और देश का नाम रोशन करो।